हे गाइस वेलकम टू बैक। तो आज हम बात करेंगे CSIR केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान की, तो सेंट्रल लैडर इंस्टीट्यूट की हम बात करेंगे। और इसके द्वारा एक रिक्रूटमेंट नोटिस जारी कर दिया गया है, और ये जो जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है कि सेंट्रल लैडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में, ठीक है। और इसके द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट नोटिस जो नंबर है 01/201 लास्ट डेट इसकी 15 मार्च 2019 है। नोटिफिकेशन जारी की गई थी 30 जनवरी को। और क्या कौन कौन सी पोस्ट है, किस पर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, हम ऑफिशियल जानकारी आपको इस चैनल के जरिए दे रहे हैं, तो अंत तक देखिएगा। तो टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड 3 की ये पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, रिजर्वेशन, ठीक है। और पे लेवल क्या होगा, एंड पे जो होगी आपकी वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। ST की एक पोस्ट है, टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है। टोटल सैलरी क्या होगी वो आपकी स्क्रीन पर हम बता रहे हैं। आपकी एज जो है 35 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और इसके लिए ST होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करेंगे हम उसके बाद, तो नंबर ऑफ वैकेंसी है 16 पोस्ट ये भरी जाएगी, 9 जनरल की होगी और 6 OBC की, 1 ST की, ठीक है। पे क्या होगी वो आप देख लीजिएगा, पे आपकी 35,400 इसमें बताए हुए पे एंड लेवल। टोटल जो बनेगी इसमें ये 50,000 से 51,000 बन जाएगी, ठीक है, 51,000। और एज क्या चाहिए, जनरल के लिए 28, OBC के लिए 31, ST के लिए 33, ठीक है। ये इनके लिए अलग अलग जो पोस्ट है इनके लिए अलग अलग ही एज के लिए बताया हुआ, ठीक है। अब रिलैक्सेशन क्या है अलग अलग पोस्ट के लिए वो हमने आपको बता दी। और इसके साथ जो अब भाई ये पोस्ट है इसके लिए हम बात कर लेते हैं, तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर के लिए ग्रेड 3 की जो पोस्ट है इसके लिए ST और 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ इंजीनियर, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और इट्स रिक्वायरमेंट विद 55% मार्क्स, ठीक है, ये आपका होना चाहिए। अब जो डिस्क्राइबल क्वालिफिकेशन है, सी लाइसेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कॉम्पिटेंसी सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड ऑटो स्कैड पैकेज ये आपको होना चाहिए। जॉब रिक्वायरमेंट ये आपकी कहाँ होगी और क्या होगा वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब जो पोस्ट अगली है उसकी देख लेते हैं हम, तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए क्या चाहिए, तो इसके लिए फर्स्ट क्लास बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी विद 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द डिसिप्लिन ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एज 28 है ये, डिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन में क्या है वो देख लीजिएगा, और जॉब रिक्वायरमेंट जो है वो आप देख लीजिएगा। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए क्या चाहिए, OBC की अलग अलग वैकेंसी, और जो फर्स्ट क्लास BSc आपको चाहिए वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है हम वो आपको बता रहे हैं, ठीक है, पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। अप्लाई कैसे करना है वो भी हम आपको बता देंगे। तो जो भी आपको पोस्ट हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ठीक है, अलग अलग पोस्ट अलग अलग प्रकार से भरी जाएंगी ये पोस्टें। और बाकी अगर आपको कुछ लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से नहीं मिली, तो आप लैदर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इसकी जो वेबसाइट है इस पर आप जाइएगा, उसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट नोटिस जो मिल जाएगा वहाँ पर आप इसके लिए अप्लाई और पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जो जनरल इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन है, कंडीशन है, उनको आप देख लीजिएगा। बेनिफिट अंडर काउंसिल सर्विसेज दीज पोस्ट आर कैरी यूजल अलाउंस, तो ये इनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। DA वगैरह आपका जो होगा HRA TA वगैरह ट्रांसपोर्ट अलाउंस और बाकी जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है, आपने जो रिसर्च ये लैदर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उस पर जाइएगा, एडवर्टाइजमेंट में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर, वीडियो